Hello everyone, welcome to our YouTube channel, My View My Channel, in association of Teaching Point. Like, subscribe, comment, visit our website www.teachingpoint.org.in. भी आज का ऑब्जेक्टिव जो है हमारा इस पर्टिकुलर एनिमेशन से हम समझेंगे कि वाटर हमने एज अ सॉल्वेंट लिया हुआ है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैसे होगी। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करने के लिए हमने कुछ केमिकल्स यहाँ पे यूज करेंगे। तो पहला जो केमिकल हम यूज कर रहे हैं दैट इज नोन एज पोटेशियम आयोडाइड और दूसरा है सिल्वर नाइट्रेट। तो पोटेशियम आयोडाइड और सिल्वर नाइट्रेट की जब आपस में रिएक्शन होगी तो सिल्वर आयोडाइड एज अ प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं जब भी एक सिल्वर आयन आयोडाइड आयन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो क्या फॉर्मेशन कर रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है। तो ये रिएक्शन किस तरह से हुई है, दैट रिएक्शन विल टेक्स प्लेस दैट इज के आई प्लस ए जी एन ओ थ्री विल फॉर्म के एन ओ थ्री प्लस ए जी आई। जो ए जी आई है वहां पे वो सेटल डाउन हो गया प्रेसिपिटेट की तरह और जो के एन ओ थ्री है वो रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ के प्लस एंड एन ओ थ्री माइनस। इज दैट पॉइंट क्लियर, इज दैट पॉइंट क्लियर। देखिए जो नेक्स्ट जो रिएक्शन हम यहाँ पे कर रहे हैं इसमें अगेन हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वाटर है, बट यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो किसके बीच में होगी, के आई वर्सेज लेड नाइट्रेट। और यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब लेड आयन आयोडाइड आयन के साथ इंटरेक्ट करेगा तो लेड की वैलेंसी 2 है, आयोडीन की वैलेंसी 1 है, तो आपस में रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा, लेड आयोडाइड विच इज अ येलो प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है, दैट इज के आई रिएक्टेड विद पी बी एन ओ थ्री की होल ट्वाइस, रिएक्शन करके क्या बना रहे, पी बी आई टू प्लस के एन ओ थ्री, इसमें के प्लस और एन ओ थ्री माइनस, ये आयन ऑलरेडी सॉल्यूशन के अंदर अवेलेबल हैं। इज दैट पॉइंट क्लियर। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन हम यहाँ पे कर रहे हैं दैट रिएक्शन इज बिटवीन बेरियम क्लोराइड वर्सेस सोडियम सल्फेट, जो आपने कई बार पढ़ी होगी। तो यहाँ पे देख पता चल रहा है आपको कि जब भी बेरियम आयन सल्फेट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो वाइट प्रेसिपिटेट सेटल डाउन हो जा रहा है। ये जो वाइट प्रेसिपिटेट सेटल डाउन हुआ है ये क्या है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट। तो हमने रिएक्शन किसको कराया, बेरियम क्लोराइड reacted with that is sodium sulfate to form barium sulfate plus twice of NaCl। तो आपको देख रहा है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन ऑलरेडी सॉल्यूशन के अंदर अवेलेबल हैं। इज दैट पॉइंट क्लियर। अब देखिए जो नेक्स्ट रिएक्शन हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे जो अब हम नेक्स्ट रिएक्शन कर रहे हैं दैट नेक्स्ट रिएक्शन इज बिटवीन अगेन बेरियम क्लोराइड बट दिस टाइम वी आर यूजिंग सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंट्रैक्शन हो रहा है, जब भी बेरियम आयन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है, बेरियम कार्बोनेट विच इज अ वाइट प्रेसिपिटेट विच इज गेट सेटल डाउन एट द बॉटम। सो वट इज आवर ऑब्जर्वेशन, दैट इज बी ए सी एल टू reacted with Na2CO3 to form BaCO3 plus twice of NaCl। तो आप देखो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन सॉल्यूशन के अंदर अवेलेबल हैं। इज दैट पॉइंट क्लियर, इज दैट पॉइंट क्लियर। सो द नेक्स्ट रिएक्शन विल बी
बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम सल्फेट. सो व्हाट वी विल ऑब्जर्व, वे सिल्वर आयन सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सिल्वर सल्फेट फॉर्मेशन होगा. दिस इज अगेन अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन क्या हुई, जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट था उसकी रिएक्शन हमने किससे कराई, सोडियम सल्फेट के साथ, जिससे प्रोडक्ट बना सिल्वर सल्फेट प्लस NaNO3 इन द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ सोडियम आयन एंड नाइट्रेट आयन. इज दैट पॉइंट क्लियर? तो नेक्स्ट पे प्रोसीड करेंगे. सो द नेक्स्ट रिएक्शन विल बी, द नेक्स्ट रिएक्शन विल बी बिटवीन अगेन दैट इज सिल्वर नाइट्रेट वर्सेस सोडियम कार्बोनेट. तो देखिए जब आपका सिल्वर आयन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो सिल्वर कार्बोनेट आपका एज अ प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है. तो ये रिएक्शन हमारी कैसे हो रही है, जो सिल्वर नाइट्रेट है दैट इज HgNO3 ट्वाइस रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट. अल्टीमेटली Ag2CO3 प्लस NaNO3 will be present in the solution in the form of sodium ion and nitrate ion. Is that point clear? तो I hope ये videos आपको समझ में आ रही होंगी और यू आप enjoy भी कर रहे होंगे कि भाई animation animated video आपको मिल रही है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए है ना.